जैन तो हमेशा अच्छे लगते हैं। ये सवाल ऐसा है कि इसका क्या ही जवाब दूं। आप किसी को भी पकड़ के पूछ लो कि जैन कैसे लग रहे हैं। जैन हमेशा अच्छे लगते हैं, नींद से उठते हैं तो भी अच्छे लगते हैं, खाना खा रहे होते हैं तो भी अच्छे होते हैं, मीठा ठूस रहे होते हैं तब भी अच्छे लगते हैं। म्यूजिक एल्बम में तो बेहतरीन लग रहे हैं, खूबसूरत लग रहे हैं। आपके और जैन की जो है स्वीट सा रिलेशनशिप है, आप क्या कहना चाहेंगे इस रिलेशनशिप? बहुत ही प्यारा है, बहुत ही रिस्पेक्टेड रिलेशनशिप है, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, जैन इज फैमिली, ही इज लाइक लिटिल ब्रदर टू मी। और बहुत फनी इंसिडेंट हुआ है ऑफ लेट, आई हैड टू गिव अ डिस्क्लेमर। इन यूके मैगजीन में किसी रिपोर्टर ने छाप दिया था कि जैन मेरा बेटा है, सो आई हैड टू। और जैन मेरा भाई है। इनका मेरा बेटा इनका भाई है, ये मेरे बेटे हुए। सो आई हैड टू गिव अ डिस्क्लेमर दैट यू हैव टू करेक्ट दिस, ही इज वेरी क्लोज टू मी, ही इज लाइक माय ब्रदर, बट ही इज डेफिनेटली नॉट माय सन। लेकिन इस तरह की खबर आई तो आप कैसे लगे कि ये बेटा बोल दिया? मैंने सोचा चलो अच्छा है, बुढ़ापे का सहारा तो हो गया। आखिरकार का काफ़ी हिट रहे हैं वो, उनके सीरियल भी बैक टू बैक हिट रहे, क्या कहना चाहिए उनके करियर को लेके? जैन बहुत अच्छे इंसान हैं, ही इज़ वेरी ब्यूटिफुल पर्सन इनसाइड आउटसाइड, ही ब्रिंग्स आउट द बेस्ट इन यू, ही इज़ वेरी पॉजिटिव, ही इज़ वेरी लविंग, ही इज़ वेरी केयरिंग, ही इज़ अ लिटल नॉटी ऑल्सो, लेकिन फिर घर के बच्चे अगर बदमाश नहीं होंगे तो मज़ा ही नहीं आएगा। सो एंड ही इज़ वेरी पैम्पर्ड बाय अस, लाइक मैं तो मौका ही देखती हूँ कि जैन को कैसे बिगाड़ा जाए, तो मैं बिगाड़ने की प्रोसेस में लगी हुई हूँ। हाल ही में जब वो एडमिट हुए थे हॉस्पिटल में तो आप काफ़ी इमोशनल हुई थी, एक इंटरव्यू में हमने देखा, तो क्या कहना चाहेंगे, मतलब इतना दर्द रहा? सो उस वक्त मुहर्रम जस्ट शुरू हुआ था और मैं प्रे कर रही थी, सब फ्रेंड्स जैन के घर पे थे, उन्होंने फ़ोन किया कहा जैन को बुखार है, सो आई रश्ड होम, rushed him to the hospital, got him admitted, क्योंकि मम्मी पापा भी यहाँ नहीं थे। 2-3 days till mom dad didn't come, I was with him. I'm very connected to him. So if he is not well, I don't like it. The vibes are not good. घर में अपना भाई, बहन, माँ बाप, बच्चा बीमार होता है तो दूसरी चीज़ों में दिल नहीं लगता, तो काम तो हम कर रहे थे बट हाँ दिल हमेशा वहाँ था 3-4 दिन तक, जब तक ये नहीं होगा कि हाँ ठीक हो गए हैं, हेल्दी हो रहे हैं तब तक। और फिर उसके बाद भी वज़न कम हुआ तो हमारा वही था, अरे वज़न कम हो रहा है, यू गेटिंग वीक, ये वज़न कम हो रहा है, यू गेटिंग वीक, सो इट्स लाइक दैट। आखिर में अपने फैंस के लिए क्या कहना चाहिए लास्टली? आई लव यू ऑल एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग सो मच लव रिस्पेक्ट, सिर्फ मेरे शोज़ में नहीं, शोज़ मैंने बहुत किए और उसमें बहुत प्यार दिया आप लोगों ने, मुझे इंस्टाग्राम पे और टिकटॉक पे भी इतना प्यार देने के लिए थैंक यू वेरी मच। आप लोगों की वजह से आई एम वेरीफाइड अकाउंट ऑफ टिकटॉक एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मेकिंग सम गुड कंटेंट देयर टू। थैंक यू सो मच, आई लव यू, थैंक यू टॉकिंग टू मैम।